झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आशा है कॉपी और कलम के साथ आप टीवी के सामने बैठ गए होंगे और महत्वपूर्ण नोट्स जरूर लेंगे और क्विज को जरूर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। कक्षा 6 में हमारा समाज, कक्षा 7 में लोकतंत्र, कक्षा 8 में भारतीय संविधान के पार्ट 1 और क्विजेस को हम लोग देखेंगे। ठीक इसी प्रकार कक्षा 9 में पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे और कक्षा 11 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं की पाठ की शुरुआत करेंगे, उसका पहला भाग देखेंगे और क्विज सॉल्व करेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का पहला अध्याय, हमारा समाज विविधता से भरा। आइए दोस्तों देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम अपने आसपास का सामाजिक जीवन देखेंगे, जिसमें बहुरंगी विविधता वाला हमारा देश भारत में भौगोलिक विविधता और धार्मिक तथा सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक विविधता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम अपने आसपास के सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं। बच्चों, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार के साथ साथ उनकी भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार की अनेक विविधताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जिस परिवार में रहते हैं वह परिवार ही समाज की पहली इकाई होती है, जहाँ से हमें अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और संस्कार प्राप्त होते हैं। एक अच्छा परिवार ही एक अच्छे समाज को बनाता है। बच्चों, परिवार के अलावा हमारा विद्यालय भी एक अच्छे समाज को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ सभी धर्मों के, जातियों के और विभिन्न परिवेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी बच्चे भाईचारे से प्रेम पूर्वक रहते हैं, सभी एक साथ खेलते कूदते और अनुशासन सीखते हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने भारत देश की विभिन्नता के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और विश्व में आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश हमारे देश को कहा जाता है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता ही भारत की प्रमुख विशेषता है। अब हम भारत में विविधता के प्रमुख प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भौगोलिक विविधता के बारे में जानते हैं। बच्चों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर है। बच्चों, हिमालय से सटे जो भी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है, वहीं राजस्थान के इलाकों में काफ़ी गर्मी देखी जाती है। एक और मेघालय बारिश के मामले में विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो दूसरी ओर राजस्थान में बहुत सूखा देखा जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है और बारिश ना के बराबर होती है। आइए दोस्तों अब धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, दुनिया के चार प्रमुख धर्मों का उद्भव भारत में माना जाता है।
जिसमें हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत में इस्लाम धर्म, पारसी धर्म तथा ईसाई धर्म के लोग भी निवास करते हैं। बच्चों, हिंदू धर्म में शैव, शाक्त तथा वैष्णव प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत हैं तथा इनके प्रमुख त्योहारों में होली तथा दिवाली को देखा जा सकता है। वहीं इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान शरीफ है। इनका प्रमुख त्योहार ईद के रूप में जाना जाता है। बच्चों, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है तथा यहाँ प्रमुख त्योहार के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इसके अलावा भारत में अनेक क्षेत्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें बैसाखी, बिहू, छठ, पोंगल तथा कर्मा और सरहुल जैसे प्रमुख त्योहार हैं। आइए अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, हमने सीखा हमारे आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है। हमने अपने विविधता वाले देश भारत में भौगोलिक विविधता के बारे में जाना, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आप इन सभी बिंदुओं को एक बार जरूर घर पर देखिएगा। आइए अब देखते हैं हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे। बच्चों, अगली वीडियो में हम भारत में विविधता के अन्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें खान पान की विविधता, भाषाई विविधता, परिधान की विविधता तथा आर्थिक विविधता के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। आज हम हमारा समाज विविधता से भरा अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अपने परिवेश के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार हमारा विद्यालय और हमारा परिवार एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। साथ ही हमने अपने देश की विविधता के कुछ एक बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला था। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत में विविधता के कुछ अन्य प्रकारों को, जिसके अंतर्गत खान पान की विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे, भाषाओं में किस प्रकार विविधता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, परिधान अथवा पहनावे में विविधता के साथ साथ आर्थिक विविधता का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खाने पीने में दिखाई देने वाली विविधता से। बच्चों, भारत के अलग अलग भागों में खाने पीने के मामले में बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे झारखंड में मड़ुवे की रोटी, छिलका रोटी बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी पसंद की जाती है। दक्षिण भारत में इडली डोसा तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भाषाई विविधता की। बच्चों, भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा का रूप बदलता जाता है। बच्चों, पूरे भारतवर्ष में लगभग 1700 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बच्चों, हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग
हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। आइए अब अपने देश की वेशभूषा के बारे में एक नज़र डालते हैं। बच्चों, देश के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। लोगों की वेशभूषा अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। अपने झारखंड में धोती कुर्ता और सिर पर गमछा पहना जाता है। पंजाब की महिलाएं सलवार कमीज और दुपट्टे का प्रयोग करती हैं। वहीं बंगाल में साड़ी तथा राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली का पारंपरिक परिधान है। आइए बच्चों, अब अगली कड़ी आर्थिक विविधता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, अपनी जीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की अधिकतर आबादी खेती के कार्य से अपनी जीविका चलाती है। बच्चों, कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खनन आदि क्रियाएं भी जीवन चलाने के साधन हैं। बच्चों, हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, कंपनियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक लोग काम करते हैं और कुछ लोगों का अपना खुद का कारोबार है। आइए अब अंत में हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने हमारा बहुरंगी विविधता वाला देश भारत के बारे में जाना, भारत की विविधताओं के बारे में जाना, जिसके अंतर्गत हमने खान पान की विविधता के बारे में पढ़ा, हमने भाषाई विविधता के बारे में जाना, हमने अपने देश में विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का अध्ययन किया, साथ ही आर्थिक विविधता का भी हमने अध्ययन किया। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा वह हमारे भारत को विश्व में सबसे अलग करता है, क्योंकि भारत ही विश्व में सबसे अधिक विविधता वाला देश है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इन सभी विविधताओं में एकता की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम भारत की विविधता में एकता के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी किस प्रकार यहाँ एकता कायम है। इसके अलावा हम झारखंड के प्रमुख मेलों की चर्चा भी करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई। झारखंड सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का पहला अध्याय, लोकतंत्र। आइए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र का विकास और इसके साथ हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में सरकार का चयन। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के अर्थ को जानते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक तथा तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। दोस्तों, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां शासन व्यवस्था में आम लोगों की सहमति बहुत जरूरी हो जाती है। आइए अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, क्योंकि जनता
शासन व्यवस्था बना भी सकती है तथा बनी हुई सरकार को गिरा भी सकती है। इसके अलावा जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार भी होता है। वह अपने बीच से किसी भी व्यक्ति को चुनकर सरकार में भेजती है। इसके अलावा सरकार चलाने में अपनी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। आइए जानते हैं लोकतंत्र का विकास किस प्रकार हुआ, लोकतंत्र का उद्भव किस प्रकार हुआ। दोस्तों, प्राचीन समय से ही भारत और यूरोप के कई देशों में लोकतंत्र की लहर देखने को मिली। रोम के कई विद्वानों ने मानव समानता लाने के अनेक प्रयास किए। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन समय में विश्व में राजतंत्र का ही दबदबा था। सारी शक्ति राजा के हाथों में होती थी। राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। अगर राजा अच्छा होता था तो वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे, और अगर राजा निर्दयी या फिर अयोग्य होता था तो सारी प्रजा दुखी रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने राजा के इन अत्याचारों से तंग आकर उसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की स्थापना की। बच्चों, लोकतंत्र सबसे न्यायपूर्ण और सबसे अच्छी प्रणाली है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी को वोट देने और अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार होता है। सरकार के किसी भी गलत फैसले का विरोध करने का भी लोगों को यहाँ पर अधिकार होता है। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है। बच्चों, लोकतंत्र में सरकार का चयन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। बच्चों, विश्व के कुछ देश जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में सारी जनता एक जगह पर इकट्ठी होकर अपने शासक का चुनाव करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि आप अपने भारत में देखते हैं। यहाँ पर जनता अपने बीच से किसी प्रतिनिधि को सरकार में भेजती है जो सरकार चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जनता सरकार चलाने के लिए अपने बीच से जिस व्यक्ति को चुनकर भेजती है उसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी वह जनता का प्रतिनिधि बनकर सरकार में जाता है। आइए जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। बच्चों, आज हमने सीखा लोकतंत्र का अर्थ और विशेषताएं, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर हम कर पाए। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने जाना लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है। बच्चों, हमने आज जो जो भी सीखा, आशा करता हूँ आप इसे एक बार घर में जाकर जरूर देखेंगे। आइए अब देखते हैं हम अगली वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र के बारे में, जिसके अंदर हम मताधिकार के बारे में जानेंगे। हम भारत में समानता असमानता को भी देखेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संविधान। इसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अध्याय में हम संविधान
और उसके विभिन्न आयामों को जानेंगे। तो आज हम जिन आयामों को पढ़ेंगे वो है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म एवं संसदीय शासन पद्धति यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। बच्चों, संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। क्या आपको याद है कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? सोचिए। जी हाँ, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने संविधान को अपना लिया। तो बच्चों, संविधान एक किताब है जिसको हमारे देश के कुछ महान पुरुषों ने मिलकर तैयार किया था। यह किताब कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस किताब में अनेक महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय अंग्रेजों के बनाए कठोर कानूनों को हटाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय आम लोगों की सरकार में कोई भी सहभागिता नहीं थी, जिस वजह से आम इंसान पर बहुत अत्याचार किए गए। इन्हीं अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक संविधान लाया गया जिसमें हर नागरिक को समानता तथा सरकार में सहभागिता दी गई। अब हम यह जानते हैं कि संघवाद क्या होता है। अभी हमने जाना कि संविधान क्या होता है और संविधान का पहला आयाम है संघवाद। तो संघवाद का अर्थ है एक से ज्यादा स्तर की सरकारें। हमारे देश में बच्चों 3 स्तर की सरकारें होती हैं। पहले स्तर पर होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन करती है। उसके बाद हर राज्य में एक सरकार होती है, जैसे कि हमारे झारखंड राज्य में भी राज्य सरकार है। उसके बाद आती है स्थानीय स्तर की सरकारें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में भी स्थानीय सरकार है। तो यहाँ हमने पढ़ा संघवाद के बारे में। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में लिखा है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है, लेकिन आप बताइए कि क्या सभी विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। संविधान में एक सूची बनी है जिसके आधार पर संघ एवं राज्य दोनों ही सरकारों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसी प्रकार राज्य सूची में दिए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों को है। इस सूची को हम समवर्ती सूची कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया बच्चों? अब हम इन सूची में जो विषय दिए हैं उन्हें जान लेते हैं। संघ सूची से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं वो है वित्त, संचार और सुरक्षा। यह ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं और जिन पर पूरे देश में एक ही कानून लागू होता है, इसलिए इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची में भूमि, पुलिस, कृषि जैसे विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर राज्य सरकार अपने राज्यों में कानून बनाती है। बच्चों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यह ऐसे विषय हैं जिन पर एक समान कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसी कारण इन्हें राज्य सूची में रखा गया है, ना कि संघ सूची में। तो अभी हमने जाना संघ सूची और राज्य सूची के बारे में, अब जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। तो अभी हमने इन 3 सूचियों के बारे में जाना, लेकिन बच्चों अब जरा यह सोचिए कि अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर मतभेद हो जाए राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच, तो कौन सा कानून मान्य होगा?
क्या पता है आपको? नहीं तो बच्चों अब याद रखिएगा कि किसी भी मतभेद होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। समझ आया आपको? तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के अगले आयाम को जानते हैं, जो है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति की दो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसद क्या होता है और वहां लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? संसद, जिसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, एक सभा होती है जिसमें हम नागरिकों के द्वारा चुने गए लोगों को बिठाते हैं और वो लोग कानून बनाते हैं। क्या आपने कभी चुनाव में वोट डाला है बच्चों? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं और उनके वोटों के आधार पर चुने गए प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, संसदीय शासन पद्धति की जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका संसद के बनाए कानूनों को लागू करती है। प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की ही होती है। आपको यह जो तस्वीर दिख रही है वह प्रधानमंत्री का दफ्तर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बोलते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में नियुक्त लोग बैठते हैं। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, क्या आपको पता है? वह है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या आपको पता है कि अभी हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने जाना कि संविधान किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है और उसकी तीन प्रकार की सूचियों के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जाना कि संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं और इसके महत्वपूर्ण इकाइयों को भी हमने जाना। आशा करती हूँ कि बच्चों, आज के वीडियो में पढ़ाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। अगली कक्षा में हम संविधान के अन्य आयामों को जानेंगे। धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज और विद्रोह का प्रकोप पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पता चला है कि सुबह पेरिस में बहुत अफरा तफरी थी। न्यूज फैली थी कि राजा ने अपने ट्रूप्स को बोला है सिटीजंस पे फायर करने के लिए। तो वहां के सिटीजंस ने अपनी एक फौज बनाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने आर्म्ड एमिनेशंस यानी हथियार ढूंढना शुरू कर दिए। उस दौरान उन्होंने बेस्टाइल के कमांडर को मार दिया और बेस्टाइल में जो प्रिजनर्स थे यानी बंदी, उनको रिलीज कर दिया। ऑल्दो वो सिर्फ साथ ही थे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि ये जो बेस्टाइल का फोर्ट था, ये जो राजा की पावर थी उसको डिस्प्ले करता था। उसके बाद बेस्टाइल के फोर्ट को जला दिया गया और उसके जो अवशेष बचे थे उन्हें बाजार में बेच दिया गया, जिससे लोगों को याद रहे कि ये इवेंट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद भी क्रांति थी दोस्तों रुकी नहीं, नागरिकों ने और भी ज्यादा विद्रोह किया। किसके खिलाफ? जो बढ़ते प्राइजेस थे ब्रेड के, उनके खिलाफ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लुई 16 के बारे में। 1774 में राजाओं के बर्बन परिवार के लुइस 16वें ने फ्रांस का सिंहासन लिया
उन्होंने मैरी एंटोनेट से शादी की जब वे 20 साल के थे। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि युद्ध के लंबे वर्षों के कारण फ्रांस के जितने भी वित्र था वो सब समाप्त हो गया था, यानी उनके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की थी। दोस्तों, युद्ध ने एक अरब से अधिक श्रेणियों को जोड़ा जो पहले से ही 2 बिलियन से अधिक थी। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि उनके ऊपर कितना ज्यादा डेट हो गया। तो दोस्तों, अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि सेना को बनाए रखने की लागत, अदालत, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, उन सबको चलाने के लिए राज्य को करों में वृद्धि करनी पड़ गई। लेकिन ये कर हर किसी के लिए सेम नहीं थे। तो फ्रांस में 3 एस्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो कॉमन पीपल होते हैं। तो जो कॉमनर था, जो 3rd एस्टेट था जिसे हम कहते हैं, सिर्फ वही टैक्स देता था और बाकी राजा और जो चर्च के पादरी थे वे नहीं देते थे टैक्स। चानू ने लगभग 90% आबादी का निर्माण किया था, लेकिन उनमें से केवल एक छोटी संख्या, यानी 30% संख्या ही थी उनके द्वारा खेती की गई जिसका स्वामित्व था, यानी हर कोई वहाँ लैंड ओन नहीं करता था। 30% के पास जमीन थी, जबकि 90% आबादी वहाँ की किसान थी। सभी करों का भुगतान तीसरी संपत्ति द्वारा किया जाता था, जिसमें टीज और टेल शामिल थे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 20 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई, और उस आबादी की वजह से संघर्ष शुरू हुआ, जैसे खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, ब्रेड जो वहां का स्टेपल फूड था उसकी कीमतें बढ़ गईं, अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था, मतलब संकट। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। दोस्तों, हमें पता है कि हर किसी कंट्री में कभी बाढ़, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन सिंस वहां के सिर्फ 3rd एस्टेट पे करते थे, तो उसके बाद उनके पास बाढ़ और सूखे से बचने के बाद कुछ पैसे बचे ही नहीं थे, तो वह राजा को क्या पे करते। तो इसे कहते हैं सबसिस्टेंस संकट, जहाँ उनके खुद के पास पैसे नहीं थे अपना खुद का खाना खाने के लिए। अब एक बढ़ता हुआ मिलिट्री का विशेषाधिकार का अंत करने के लिए परिकल्पना करता है। ये सभी शिक्षित थे और मानते थे कि समाज में किसी भी समूह को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। 18वीं शताब्दी के सामाजिक समूहों के उद्भव को देखा, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसके बाद लुईस 16 ने एक एस्टेट जनरल की सभा बुलाई। सभा में तीनों क्लास एस्टेट थे, 300-300 थे, 1st 2 एस्टेट के और 3rd एस्टेट के थे 600 मेंबर्स। तो दोस्तों, राजा और जो पादरी वर्ग, उन्होंने डिसीजंस अपने हक में लिए और कॉमनर को अलग कर दिया। तो कॉमनर ने अपने आप को उनसे अलग करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक नई असेंबली फॉर्म की, जिसका नाम था असेंबली नेशनल। 100 साल की मोनार्की को खत्म करके उन्होंने पहली फ्रेंच रिपब्लिक एस्टैब्लिश की, जिसके 3 वो थे, लिबर्टे, एगालिटे एंड फ्रेटर्निटे। दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1973, यानी इसमें ये बताया गया कि हर एक इंसान इक्वल है और वो जन्म से इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये अधिकार भी सबको नहीं मिला। यानी जो पुअर, यानी जो गरीब थे, उनको ये अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो टैक्स पे नहीं करते थे, और विमेन को भी ये अधिकार नहीं दिया गया। 18वीं शताब्दी में अधिकांश पुरुष और महिलाएं पढ़े लिख नहीं सकते थे दोस्तों, तो इसलिए इन महत्वपूर्ण विचारों का फैलना बहुत जरूरी था। तो इसके की मुद्रित शब्दों के बजाय चित्र और प्रतीकों के उपयोग से उन्हें ये समझाया जाता था। आइए हम इनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला था टूटी हुई जंजीरें। टूटी हुई जंजीरें सिंबलाइज किसको करती हैं? इसका मतलब है लोगों का फ्री होना। अब हम बात करेंगे और सुविधाओं का आधार। ये क्या शो करता था? शो करता था कि एकता में ही ताकत है। अब हम बात करेंगे आंखों के त्रिकोण विकिरण प्रकाश के साथ की, जिसका मतलब था नॉलेज। ये है राजदंड, शो करता था रॉयल पावर को।
अब हम बात करेंगे एक अंगूठी बनने के लिए सांप अपनी पूंछ से अड़ता है, ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है एटर्निटी का। और ये लाल फोन कैप है, तो मजदूरों द्वारा पहनी जाती थी जब वो फ्री हो जाते थे। और दोस्तों ये है लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट ये बताता है कि लॉ सबके लिए सेम है और सब उसके सामने इक्वल है। दोस्तों ये थी द विंग्ड वुमन जो लॉ के बारे में बताती थी। और दोस्तों ये है नीली सफेद लाल वुमन जो शो करती थी नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज और विद्रोह का प्रकोप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो घर जाकर आप अपनी किताब इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 में से भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 पढ़िए। अगली वीडियो में हम फ्रांस राजशाही को समाप्त करता है और गणतंत्र राज्य बनता है और क्या महिलाओं के पास क्रांति थी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। इस वीडियो में हम फ्रांस राजशाही को समाप्त करता है और एक गणतंत्र राज्य बनता है, क्या महिलाओं के पास क्रांति थी और दासता के उन्मूलन पढ़ेंगे। दोस्तों फ्रांस में अभी भी सिली तनावपूर्ण थी। लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन उन्होंने प्रशिया के राजा के साथ गुप्त वार्ता में प्रवेश किया। लुई 16 बाकी राजाओं के पास गए और उन्होंने उन्हें फ्रांस पे अटैक करने के लिए बोला। तो अन्य पड़ोसी के शासकों ने 1789 की गर्मियों से वहां होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए सेना भेजने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रीय असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसा होने से पहले नेशनल असेंबली ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए मतदान किया। हजारों स्वयंसेवकों ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उनके द्वारा गाया गए देशभक्ति गीतों में से मार्सेल्स एक थे। मार्सेल्स अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। क्रांतिकारियों ने युद्ध के नुकसान और आर्थिक कठिनाइयों को देखा। जब मेन बाहर फाइट या वॉर करने के लिए गए, जो वहां की महिलाएं थी उन्होंने घर का काम संभाला और नौकरी भी की। दोस्तों अब हम देखेंगे फ्रांस राजशाही को समाप्त करने के अंदर राजनीतिक क्लब की क्या महत्वपूर्ण योगदान था। राजनीतिक क्लब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रैली स्थल बन गया। इन क्लबों में से सबसे सफल जैकोबियन क्लब था। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्य रूप से समाज के कम समृद्ध वर्गों से संबंधित थे। उनके पास एक वर्दी थी जो समान प्रकार की थी। इनके जो लीडर थे यानी इनके नेता वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 1792 में जैकोबिन्स ने बड़ी संख्या में पैरिसियों के विद्रोह की योजना बनाई थी, क्योंकि जो कम आपूर्ति और भोजन की उच्च कीमतों की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और वे इससे बहुत नाराज थे। फाइनली ना हुए। अब से इस वर्ष और उनसे अधिक के सभी पुरुषों के लिए धन की परवाह किए बिना वोट देने का उन्हें अधिकार मिला। नव निर्वाचित विधानसभा को कन्वेंशन कहा जाता था। 1972 को इसने राजशाही को खत्म कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। और इसी दौरान लुई 16 का एग्जीक्यूशन भी हो गया, यानी उन्हें पुलिस से लटका दिया गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे गिलोटिन की। गिलोटिन क्या था? तो दोस्तों गिलोटिन में ये होता था कि रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज के लिए गिलोटिन का यूज किया, जिसकी वजह से उसका डर हर किसी में बैठ गया। ये एक मशीन थी
जिसकी मदद से लोगों के धड़ और उनके शरीर को अलग कर दिया जाता था। इस आतंकी शासन की वजह से रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि उनके समर्थक भी मॉडरेशन की मांग करने लगे। अंत में उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया और गिलोटिन में भेज दिया। दोस्तों अब हम बात करें नेपोलियन बोनापार्ट की। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच डायरेक्टरी को ओवरथ्रो किया और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोबेस्पियर के गिलोटिन में जाने के बाद जैकोबियन क्लब नहीं रहा, जिसकी वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाएं घर का काम भी करती थी और नौकरियां भी करती थी, लेकिन महिलाएं इस डिसीजन से खुश नहीं थी कि उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया। विमेंस मार्च टू वर्सेल्स 5 अक्टूबर 1789 को वे वर्सेल्स गई और वे लुई 16 को वहां से पकड़ के लेके वापस आई, लेकिन उनका विद्रोह चलता रहा। तो दोस्तों फ्रांस में उन्होंने बहुत सारे क्लब्स का आयोजन किया। उनमें से सबसे बड़े दो क्लब्स थे सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। उनकी मेजर डिमांड यही थी कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिले। दोस्तों सर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं ने जैकोबिन क्लब को जिम्मेदार ठहराया उन्हें राइट टू वोट ना देने के उसमें, और उसके बाद ओलंपिया डी गूस को जैकोबिन क्लब ने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन ये जो स्ट्रगल थी ये खत्म नहीं हुई और फाइनली 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मतदान का अधिकार जीता, यानी 200 साल तक उन्होंने वोट करने के अधिकार के लिए स्ट्रगल की। दोस्तों अब हम देखेंगे क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि क्रांति के दौरान लोगों ने दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किया, जो कि था राजा के अधिकारियों द्वारा प्रेस की सेंसरशिप को समाप्त करना। दोस्तों अब इससे क्या हुआ, 1789 और 1799 के बीच में बहुत कुछ हुआ। लोगों को वोट करने का अधिकार मिला, और ये भी कि नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद लोगों ने सीखा जो थी आइडिया ऑफ लिबर्टी और लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा फ्रांस राजाशाही को समाप्त करता है और एक गणतंत्र राज्य बन जाता है, क्या महिलाओं के पास क्रांति थी और दास्ता के उन्मूलन। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो घर जाकर अपनी टेक्स्ट बुक इंडिया इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 से इसे पढ़ें। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग एक। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हम परमाणु के परिचय के बारे में भी पढ़ेंगे और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के परिचय से। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री अणुओं यानी मॉलिक्यूल के रूपांतरण का विज्ञान है। प्रकृति के वर्णन करने के लिए रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। आइए अब रसायन विज्ञान के कुछ महत्व के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान का उपयोग मौसम विभाग, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन,
दवाओं, साबुन, डिटर्जेंट, धातु आदि के निर्माण में उपयोग होता है। रसायन विज्ञान के परिचय के बाद अब हम अपने पहले विषय पे चलते हैं, जो है द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वह द्रव्य कहलाती है। उदाहरण से समझे तो स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक कुर्सी का है। क्या आप बता सकते हैं कि कुर्सी द्रव्य है कि नहीं? कुर्सी एक द्रव्य कहलाती है क्योंकि कुर्सी का द्रव्यमान होता है और वह स्थान भी घेरती है। उसी तरीके से बुक यानी किताब भी एक द्रव्य कहलाती है क्योंकि किताब भी स्थान घेरती है व किताब का भी द्रव्यमान होता है। द्रव्य के तीन अवस्थाएं यानी स्टेट होती हैं, जैसे कि ठोस यानी सॉलिड। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर एक पेड़ का है। यह द्रव्य का ठोस रूप है। दूसरी अवस्था है द्रव। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर पानी का है। पानी द्रव्य की द्रव अवस्था है। तीसरी अवस्था है गैस। स्क्रीन पे दिया गया पिक्चर गुब्बारे का है। इस गुब्बारे में भरी हवा द्रव्य का गैस अवस्था है। आइए द्रव्य की अवस्थाओं को डिटेल में जानें। स्क्रीन पे दिया गया टेबल द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताता है। आइए इसे अब एक एक कर विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक सेब का है। यह द्रव्य का ठोस रूप है क्योंकि सेब का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं या बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र ठोस के कणों को दर्शाता है। ठोस के बाद अब बात करते हैं द्रव की। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आइए इसे अब उदाहरण से समझें। स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक कप का है। इस कप को हम द्रव्य का ठोस रूप कहेंगे, लेकिन कप में रखी हुई चाय या कॉफी द्रव्य का द्रव रूप है। कॉफी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए यह ठोस यानी कप का आकार ले लेती है। द्रव के कण ठोस की तुलना में दूर होते हैं परंतु गैस की तुलना में पास होते हैं। स्क्रीन पे दिया गया चित्र द्रव के कणों को दर्शाता है। द्रव के बाद अब बात करते हैं द्रव्य की तीसरी अवस्था यानी गैस के बारे में। गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर आप एक केतली देख पा रहे हैं। यह केतली द्रव्य का ठोस रूप है। इसमें रखी हुई चाय या पानी द्रव है और जब हम इस केतली को गर्म करते हैं, इस केतली से निकली हुई भाप गैस है। गैस के कण बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं।
स्क्रीन पे दिया गया चित्र गैस के कणों को दर्शाता है। द्रव्य के अवस्थाओं के बाद अब बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं द्रव्य को दो भाग में वर्गीकरण किया गया। पहला भाग है शुद्ध पदार्थ, दूसरा भाग है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो भाग में विभाजित किया गया, पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। उसी तरीके से मिश्रण भी दो भाग में विभाजित किया गया, एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। आइए अब इसे हम विस्तार से पढ़ें। पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, जो कि द्रव्य का ही एक भाग है। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण से समझें तो नमक यानी सॉल्ट एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के बाद अब बात करते हैं तत्व की, जो कि शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग है। तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और इन्हें रासायनिक क्रिया से और विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक वह पदार्थ है जो भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु को एक निश्चित अनुपात पर संयोजित होकर बनते हैं। आइए अब तत्व और यौगिक दोनों को ही उदाहरण से समझें। ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑक्सीजन एक तत्व है, उसी तरीके से हाइड्रोजन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह भी एक तत्व है। यदि इस ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन लगे तो यह बनता है पानी यानी वाटर। पानी या वाटर एक यौगिक है। इस तरीके से हमने तत्वों और यौगिकों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में, जो कि द्रव्य का दूसरा भाग है। मिश्रण उस पदार्थ को कहते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थों को मिलाकर बनता है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र एक मिश्रण का है। इस मिश्रण में तेल और पानी है। तेल और पानी दोनों ही शुद्ध पदार्थ हैं। मिश्रण के बाद अब बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में, जो कि मिश्रण का ही एक भाग है। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित होते हैं। समांगी मिश्रण के उदाहरण को जानने से पहले हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं। आइए अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से समझें। पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी और चीनी को लिया। चीनी क्योंकि पानी में पूर्ण तरह मिश्रित हो गई तो चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। हमने एक पानी लिया
उसमें हमने रेत मिलाई क्योंकि रेत पानी में पूरी तरह मिश्रित नहीं है, तो रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो रेत का घोल एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरीके से हमने मिश्रण के बारे में जाना। द्रव्य के वर्गीकरण के बाद अब हम अपने दूसरे विषय पर चलते हैं, जो है परमाणु का परिचय। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, यह एक परमाणु यानी एटम की है। आइए इस परमाणु को और विस्तार से जानें। एक परमाणु यानी एटम किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है, जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। परमाणु को ना ही विभाजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु तीन कणों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। स्क्रीन पर दिया गया चित्र से आप तीनों ही कणों को देख पा रहे होंगे। परमाणु के केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के परिचय के बाद आइए अब बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव्य को परिभाषित करने के लिए एक परमाणु सिद्धांत दिया था। आइए इस सिद्धांत को एक एक करके पढ़ें। उनके मुताबिक द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु के एक समान द्रव्यमान और गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान भी विभिन्न होगा। एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पूर्ण व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने द्रव्य और उसकी अवस्थाएं के बारे में पढ़ा, हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, हमने परमाणु के परिचय के बारे में जाना और हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन के बारे में पढ़ेंगे। हम वैज्ञानिक संकेतन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ का ये एपिसोड आशा है आप सबको बेहद रोचक लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। तो आइए देखते हैं हमने आज क्या पढ़ा। हमने कक्षा 6 में हमारा समाज के पार्ट 1 पार्ट 2 को देखा और उसके क्विजेस करें। कक्षा 7 में लोकतंत्र पढ़ा। कक्षा 8 में भारतीय संविधान पाठ की शुरुआत करी। ठीक इसी प्रकार कक्षा 9 में पालमपुर गांव की कहानी पर ही
और क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पाठ की शुरुआत करेगी। आइए अब ये जानते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम हिंदी की शुरुआत करेंगे, जिसमें कक्षा 6 में वीर तुम बढ़े चलो पाठ पढ़ेंगे, कक्षा 7 में चाहता हूं पाठ पढ़ेंगे, क्लास 8 में पुष्प की अभिलाषा पाठ की शुरुआत करेंगे। ठीक इसी प्रकार कक्षा 9 में दो बैलों की कथा पढ़ेंगे और क्लास 11 में बायोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे जीव जगत पार्ट 1 से और पार्ट 2 से। अंत में एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पे इकोवेशन के चैनल पे किया जाएगा, जो ठीक 3 बजे से होगा। डीजी साथ इकोवेशन सर्च करके YouTube पर आप इस तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।